ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और हमारी मांग रहेगी कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और खास तौर पे जो वहां डीएम और एसपी हैं तात्कालीन उनको वहां से हटाना चाहिए तात्कालीन। आपको पता होगा पुलिस महकमे में जिसकी वहां जिम्मेदारी है वो एक जदयू नेता की बेटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो जनरल डायर का जो बनने का जो आदेश कहीं ना कहीं से जरूर गया है। इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, बल्कि नौजवान मासूमों को जिस प्रकार से पीटने का काम किया गया है ये बहुत ही गलत किया गया है। और कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर खड़ा किया जाए तो यही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था पितृपक्ष के महीने में हाथ जोड़ कर के अपराधी घर अभी माफ कीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बाद में अपना अपराध जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। तो इस तरह का बयानबाजी अगर डिप्टी सीएम किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री अगर अपराधियों के सामने घुटने टेक दे माफी मांगे तो क्या हो सकता है उसका अंदाजा आप और हम लगा सकते। साथियों एक बात साफ है कि अब बिहार में नीतीश कुमार की नहीं निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। मुंगेर में जो हुआ जिसकी चर्चा आपने की ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं ऐसे हो सकते हैं जिनकी नाक के नीचे मां दुर्गा के भक्तों पर बर्बरता से गोली चलाई जाए, जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुनरी थी, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की पुलिस ने लाठियां मारकर उनके लहू से पूरा शरीर लाल कर दिया। जैसा आपने बताया वीडियो दिखाते हैं कि माता की मूर्ति की रक्षा के लिए लोग चारों ओर बैठ गए और उन शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों पर जिस निर्दयता से निशंसता से और बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसा तेजस्वी जी ने कहा 8 लोगों को गोलियां लगी ये पुलिस मानती है। एक नौजवान अनुराग कुमार के सर में गोली मारकर पूरा दिमाग उड़ा दिया गया, क्या इससे बड़ा कुकृत्य कोई हो सकता है? उसकी मां, अनुराग की मां अपने बच्चे की लाश को गोद में रखकर बिलख बिलख कर रो रही है। नीतीश जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या इससे बड़ा दुनिया का कोई दुख हो सकता है कि मां की गोद में बच्चे का छलनी शरीर पड़ा हो, हजार संवेदनाओं की मौत के बाद ऐसी निर्लज और निठुर सरकार का गठन होता है जो आज बिहार में है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को सांप क्यों सूंघ गया? वो चुप क्यों है? वो बोलते क्यों नहीं? जैसा आपने कहा वो केवल ट्वीट तक सीमित क्यों है? और आज प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां हैं। नरेंद्र मोदी जी आपका इम्तिहान है,
क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं और जो उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है। जैसा आपने कहा, इसकी जांच तो हो ही। अगर प्रधानमंत्री जी आप में थोड़ा सा भी विवेक बचा है तो मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्त करके जाइएगा। अगर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार को आज बर्खास्त नहीं किया प्रधानमंत्री ने, तो ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष संलिप्तता इसमें है। और आखिर में मैं केवल ये कहूंगा, ये भी साफ हो जाएगा कि संस्कार और संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्सी पर बैठने का विषय है, आराधना का विषय नहीं, विश्वास का विषय नहीं। इसलिए आज बिहार की पवित्र धरती पर जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बिहार की 12 करोड़ जनता को जवाब दे